हेलो एवरीवन सो मैं हूँ जोशिका फ्रॉम लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट लर्नो हब डॉट कॉम बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन वन पॉइंट वन जिसमें आपको पूछा गया है वॉट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज दिस हैविंग चार्जेस ऑफ टू इंटरेटेटिव पावर माइनस सेवन कुलम एंड थ्री इंटरटिव पावर माइनस सेवन कुलम विच वॉज प्लेस्ड थर्टी सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन क्या है दो चार्जेस हैं आपके पास q1 एंड q2 लेट वी अज्यूम बिकॉज़ चार्जेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं q से तो पहले चार्ज का अपन ने नाम दे दिया q1 दूसरे चार्ज का अपन ने नाम दे दिया q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज़ टू इज आल्सो गिवन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय r नाउ वी हैव अ गिवन वैल्यूज q1 इक्वल टू

हम क्यों कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बिकॉज़ यहाँ पे जो हम भी फार्मूला निकालेंगे दैट इज़ इन एस आई यूनिट करेंगे तो वहाँ पर हमें मीटर ही रिक्वायर्ड होता है तो यहाँ पर आर हमको पता चल गया Q1, Q2 पता है एंड दो स्मॉल चार्ज इस फेयर्स हैं तो अब हमको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए जिससे हम फोर्स कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पर हम जो फार्मूले का यूज़ करेंगे वो दिया गया है कुलम कुलम्ब लॉ सबने पढ़ा होगा कूलम लॉ में क्या था कि दो स्मॉल चार्जेस फेयर्स रहते थे उनके बीच का अगर हमको डिस्टेंस गिवन है चार्जेस की वैल्यू गिवन है देन वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओके तो यहां पर हमको वही निकालना है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कूलम्स लॉ तो बाई यूजिंग कूलम लॉ उसने क्या बोला एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाए नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर अब यहाँ पे जो सब लोग कहेंगे मैम हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ये वन अपॉन फोर पाई एपसेला नॉट क्या है तो बेटा जी वही जो तो के है उसी को हम वन अपॉइन फोर नॉट लिख लेते हैं या फिर k लिख लेते हैं एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट ठीक है इस इसके को क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रोसैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट अब यहाँ पर आपका जो एप्स नॉट है वो क्या होता है एप्स नॉट होता है आपका पॉमिटिविटी ऑफ आप द फ्री स्पेस किसकी होती है पमिटिविटी फ्री स्पेस की होती है एंड इस पूरे की वैल्यू हमको पता होती है विच इज इक्वल टू इज दिस अब यहाँ पर जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो है इसकी यूनिट मैंने यूनिट कैसे आपने बता दी तो अगर हमको इसको नहीं बताना है तो क्या हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना एफ आर स्क्वायर अपऑन क्यू वन क्यू टू तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर यहाँ पर आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया वाट इज द यूनिट ऑफ चार्जेस क्यू होती कूलम तो दो चार्जेस हैं तो कूलम स्क्वायर हो गया आ गई होगी बात समझ क्लियर भी हो गया होगा अब सिर्फ हमको क्या करना है हमको फोर्स निकालना है एंड वी नो द वैल्यू ऑफ़ दिस वी नो द वैल्यू ऑफ़ दिस दिस इज़ ऑल्सो गिवन एंड ये हमने यहाँ पर मैंशन कर दिया है अब क्या बच्चा ओनली द कैलकुलेशन पार्ट बिकॉज कूलम जी ने तो हमको पहले ही फार्मूला दे रखा है तो बच्चों हमारे पास इसकी वैल्यू है हमारे पास क्यू वन क्यू टू पता था आर पता था हमने क्या करा फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हमने इसकी वैल्यू रख दी नाइन टू ए टेंटिटी पावर नाइन वन चार्ज पहले चार्ज की वैल्यू है टू इन टेंट पावर माइनस सेवन एंड द सेकेंड चार्ज हैव द वैल्यू ऑफ थ्री इंटू टेंटिटिव पावर माइनस सेवन को एंड आर इज जीरो पॉइंट थ्री यहाँ पर आर स्क्वायर है तो जीरो पॉइंट थ्री का स्क्वायर हो गया अब क्या बच्चा है ओनली मैथामेटिक्स अब मैथामेटिक्स कर लेते हैं क्या करेंगे कैलकुलेशन तो यहां पर क्या मैं इसको इस तरीके से लिखती जाऊं क्या मैं इसको वैसे लिख सकती हूँ बिल्कुल मैम लिख सकती हूँ क्योंकि 0.3 पॉइंट का स्क्वायर है तो 0.3 पॉइंट थ्री इंटू जीरो पॉइंट हो गया अब क्या हुआ इस डेसिमल को क्या मैं हटा दू हटा सकते हैं ना तो मैंने यहां पर ऊपर 10 बढ़ा दिया अगर मैं हटाया तो यहां से ये तो कट हो गया कट गया ना अब क्या बचा ओनली अब हम क्या करेंगे जो हमारे टेन टू टी पावर वाली पोर्शन है उसको हम एक तरफ लिख देते हैं और जो बिना पावर के उनको एक तरफ लिख देते हैं तो हमारे पास थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगी चीज तो अब हम क्या करते हैं टू इंटू थ्री को हमने एक तरफ लिख दिया एंड जितनी भी पावर की चीजें हैं उनको हमने एक तरफ लिख देते हैं क्या सही लिखा है सही लिखा है ना अब क्या करेंगे अब ये जो पूरी वैल्यू आपकी है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं मैथमेटिक्स से सिंपली टू इन टू थ्री सिक्स टेन टू टी पावर नाइन और दो टेन और है तो टेन टू टी पावर इलेवन हो गया ये हो गया टेन टू टी पावर माइनस का फोर्टीन माइनस का फोर्टीन एंड प्लस का इलेवन हो गया माइनस का थ्री मतलब आपके फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई टू इंटू सिक्स पावर हो गई टेंटेटिव पावर माइनस थ्री न्यूटन न्यूटन ही आएगी ना बिकॉज जो फोर्स होता है हमारा वो न्यूटन में होता है तो ये हो गया आपका इसका आंसर तो क्या हमने बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जो चाहिए था वो निकाल लिया बिल्कुल निकाल लिया तो नाउ वी कैन से दैट फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज फेयर इज सिक्स इन टेंटिटिव पावर माइनस थ्री न्यूटन क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन अब तो कोई डाउट भी नहीं रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल था तो बच्चों हमारा आपको क्वेश्चन नंबर टू दिख रहा है स्क्रीन पर जिसमें क्या बोला गया है क्या दिया गया है वो देख लेते हैं तो इसमें बोला गया है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज जीरो पॉइंट फोर ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज माइनस जीरो पॉइंट एट माइक्रोकुलम इन एयर इज जीरो पॉइंट टू नीटर तो क्या दी बोला गया है इसमें बोला गया है कि यहाँ पर आपको फोर्स गिवन है एक स्पेयर पर दूसरे स्फेयर के कारण और वो जो दो स्फेयर्स हैं आपके उनकी चार्जेस आपको अवेलेबल हैं मतलब ये दो सपोज ये दो स्फेयर्स हैं तो Q1 Q2 आपको पता है आपको यहाँ पर फोर्स पता है ठीक है पता है आपको बोला गया है कि एक स्पेयर पे दूसरे इस के कारण जो फोर्स लग रहा है वो आपको गिवन है तो अब कैलकुलेट क्या करना है तो पहले आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्मॉल स्फेयर मतलब ये जो दो स्मॉल स्फेयर्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है जिसको हम डिनोट करते हैं आर से वो आपको कैलकुलेट करना है ये आपका ए पार्ट में करना है बी पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है फोर्स कैलकुलेट करना है सेकेंड इस पे पहले इस के कारण ठीक है तो पहले हम क्या करें स्टार्टिंग में गिवन पोर्शन लिख लेते हैं तो व्हाट वी हैव गिवन फ्रॉम है आपके पास क्यू वन इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर कूलम क्या मैं इस कूलम को कूलम में कन्वर्ट कर सकती हूँ कर सकते हैं ना क्या होता है माइक्रो माइक्रोटेटिव पावर माइनस सिक्स एनदर आपको चार्ज गिवन है Q2 माइनस जीरो पॉइंट एट माइक्रो कूलम विच इज माइनस जीरो पॉइंट एट इन टू टू पावर माइनस सिक्स कूलम और जो गिवन है वो है आपको फोर्स विच इज जीरो पॉइंट टू न्यूटन कैलकुलेट करना है आपको आर डिस्टेंस बिटवीन द टू स्मॉल फेयर्स क्या करें यहाँ पर हम अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमको फोर्स निकालना था तब भी हमने कूलम्स लॉ यूज़ किया था यहाँ पर भी हम कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स तो क्या था कूलम्स लॉ एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पा नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर लिख देते हैं अब क्या मैं इस फॉर्मूले से आर का फॉर्मूला निकाल सकती हूँ आर स्क्वायर का बिल्कुल ना क्या करेंगे उसके लिए इस आर को मैं इधर लिख दूंगी ये एफ को इधर ले जाती हूँ कर सकते हैं ना कर सकते हैं तो आर वायर हो जाएगा वन अपॉन फोर पाए आप नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन एफ क्या मुझे यहाँ पर q1 q2 f की वैल्यू पता है वन अपॉइंट की वैल्यू पता है पता है मैम हमने आपने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था क्या होती है इसको हम से भी डिनोट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन अपॉइन फोर पा नॉट वन अपन फोर पा नॉट की वैल्यू होती है नाइन इंटू टेंट पावर नाइन यूनिट हमने कैसे निकाली थी वो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था मैं उसको यहाँ पर लिख देती हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर दिस इज द यूनिट अब क्या करें कुछ नहीं करेंगे अब सिर्फ ना जितनी भी वैल्यूज हमको पता है उनको पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में और आराम कैलकुलेट कर लेते हैं सिर्फ मैथमेटिक्स पोर्शन रह जाएगा तो करते हैं अब हमने क्या करा सारी वैल्यूज को लिख दिया सिर्फ Q2 की वैल्यू में हमने नेगेटिव साइन नहीं लिया क्योंकि वो कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव में नहीं आने वाली है ना वो सिर्फ क्यों दी जाती है जिससे हमें ये पता चले कि जो भी चार्जेस हमको दिए गए हैं वो अपोजिट इन नेचर है अगर अपोजिट रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे अगर एक जैसे रहेंगे तो दूर भागेंगे सिर्फ इसलिए दिया जाता है तो आप क्या करें सिर्फ मैथमेटिक्स का यूज करें तो मैं इस डेसिमल को इस डेसिमल से हटा देती हूँ इस टू को इस फोर को काट देती हूँ टू आ गया एंड ये जो जीरो पॉइंट एट का डेसिमल है उसको नीचे टेन लिख देती हूँ एंड इस टेन से ये काटूंगी तो ये एट हो जाएगा अब मैं इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिख देती हूँ कैसे क्या, क्या करूंगी जितनी भी पावर्स हैं वो एक तरफ लिख दूंगी जितने भी नंबर हैं उनको एक तरफ लिख दूंगी लिख देते हैं तो नाइन इंटू टू इंटू एट पावर से टेंट टिव पावर एट टेंट पावर माइनस ट्वेल्व ये हमारे पास पावर हो गई टेंट पावर माइनस टूल्व टेंट पावर माइनस सिक्स माइनस सिक्स हो गया ये अब क्या करूं अब करते हैं सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर दो नाइन इंटू सिक्सटीन इंटू टेंट पावर माइनस फोर ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम आर इसको वैर. हमको कैलकुलेट क्या करना है आर आर निकालने के लिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा अंडर रूट तो आर क्या आएगा आपका अंडर रूट 16 इंटू नाइन इंटू टू पावर माइनस फोर सिक्सटीन का अंडर रूट होता है 4 9 का होता है 3 और 10 टू पावर माइनस फोर का हो गया 10 टू पावर माइनस टू तो आपकी आर की वैल्यू आ गई 12 इंटू टू पावर माइनस टू मीटर ये हमने कैलकुलेट क्या कर लिया डिस्टेंस बिटवीन द टू स्वेयर इज ट्वेल्व इंटू टेन पावर माइनस टू मीटर कैलकुलेट हो गया मतलब ए पार्ट इज डन अब क्या करेंगे अब करेंगे हम वॉट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड इस फेयर ड्यू टू द फर्स्ट इस फेयर ये है हमारा बी पार्ट अच्छा अब ये बताओ हमारा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है चार्जेस के यहाँ पर जो चार्जेस हैं उनकी वैल्यू तो उतनी ही रहने वाली है जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट एट बट द थिंग इज दीज टू चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर ट मींस यहां पर क्या होने वाला एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण जो सेकेंड स्पेयर पर फर्स्ट स्पेयर के कारण जो फोर्स लगेगा वो भी क्या रहेगा जीरो पॉइंट टू न्यूटन ठीक है क्या रहेगा ज़ीरो पॉइंट टू मतलब यहाँ पर भी जो बी पोर्शन में अगर आप फोर्स देखोगे वो हमारा सेम रहेगा क्योंकि चार्जेस क्या है हमारे अपोजिट इन नेचर है जिसके कारण एक्शन रिएक्शन पेयर होगा और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी जीरो पॉइंट टू बिकॉज ये चेंज नहीं होगा तो मतलब सेकेंड इस पे फर्स्ट इस के कारण भी क्या फोर्स रहने वाला है सेम रहने वाला है जीरो पॉइंट टू न्यूटन अब आई थिंक सो कि आपको जो टू क्वेश्चन है सेकेंड वाला उसके ए और बी पार्ट दिमाग में छप गए होंगे स्टोर हो गए होंगे मेमोरी के अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए और आप इसको ना पॉज करके भी देख सकते हो कहीं भी कोई क्वायरी अगर आती है कि क्या क्यों बने क्या माइक्रो को केस में कैसे कन्वर्ट की या यूनिट कैसे आई सब चीज़ें हम आप देख लोगे तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व अब बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर थ्री दिख रहा है स्क्रीन पर उसमें क्या बोला गया है चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशन लेस हमको जो ये रेशियो दिया गया है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी ये डायमेंशन लेस है या डायमेंशन इसमें अवेलेबल है वो हमको चेक करना है look up a table of a physical constants and determine the value of this ratio and then you can signify that what that ratio shows क्या करना है हमको ये रेशियो देखना है कि ये रेशियो जो है वो डायमिशन है या नहीं है और इसके लिए हमारे पास जो फिज़िकल कॉन्सटेंट्स की जो टेबल अवेलेबल होती हैं बुक्स में उनको देखना है तो काफ़ी लोगों को ना सब चीज़ों के बारे में पता होगा के क्या है ई e, क्या है जी एम ई एम पी सब पता होगा बट जिन लोगों को नहीं पता उनकी वैल्यूज वगैरह तो आप वो फिज़िकल कॉन्सटेंट्स की जो टेबल अवेलेबल है बुक्स में उनको आप देख सकते हो एंड फिर उसके बाद जब हम ये चेक कर लेंगे कि ये क्या है डायमेंशन लेस और नॉट तो देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दीज कॉन्सटेंट्स उसके बाद हमें ये सिग्निफाई करना है कि ये जो हमारा आंसर आया है वो क्या बता रहा है ये पूरे क्वेश्चन का एक समरी कह लो इसको हमने समझ लिया है तो हमारे पास गेवन में है स्क्वायर जी एम ई एम पी सो दिस इज द रेशियो यू हैव अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब मुझे ये बताओ आप कि के क्या होता है हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था के इक्वल टू वन अब फोर पैप सेवन नॉट तो के हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट ठीक है इसकी हमारी यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर क्या मैं इस जो पर कूलम स्क्वायर है उसको मैं कूलम माइनस टू की तरह लिख सकती हूँ बिल्कुल लिख सकती हूँ अब आ जाते हैं ई तो बेसिकली ई क्या होता है चार्ज ठीक है क्यू की जगह पर है तो ई हो गया हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि ई है तो इलेक्ट्रॉन है बट चार्ज की यूनिट होती है कूलम ठीक है तो हमने K और E की तो यूनिट देख ली नाउ कम टू द कैपिटल जी विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर तो हमने लिख दिया के जी को के जी माइनस टू वॉट इज एमी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कोई भी मास की जो यूनिट होती है वो के जी में होती है यहां पर भी हम वैल्यूज नहीं लिख रहे हैं क्यों नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम सबसे पहला वाला पार्ट ना सॉल्व कर रहे हैं कि इसमें डायमेंशन है या नहीं है इस रेशियो की तो हम सिर्फ यूनिट्स लिख रहे हैं क्योंकि यूनिट्स के थ्रू ही हम डायमेंशन निकालते हैं व्हाट इज एनपी एनपी इज मास ऑफ प्रोटोन उसकी भी यूनिट क्या है केजी तो अब मैंने सारी यूनिट्स को एक तरफ लिख दिया है अब क्या करूंगी मैं इसको इस रेशियो के अंदर डालेंगे उससे क्या मालूम पड़ेगा डायमेंशन है या नहीं है डायमेंशन कैसे बनती है मास लेंथ और टाइम से तो चलिए चेक करते हैं क्या अब मैं इस रेशियो में अगर ये यूनिट पुट करती हूँ तो के की यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम्ब माइनस टू लिख दिया मैंने इसको ई इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे Q अगर क्या चार्ज होता है तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब भी उसकी यूनिट क्या रहेगी चार्ज है तो e है, तो स्क्वायर स्क्वायर हो गया यहां पर हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर जी की जगह पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस टू वॉट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटोन की यूनिट तो वो हो गया के जी एंड के जी ठीक है अब क्या हम यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर दिस 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 सब कुछ कैंसिल आउट हो गया सब कुछ कैंसिल आउट हो गया तो क्या आप मुझे ये बताओ जब सब कुछ चला गया तो कहीं पर कोई मास है मास की भी जीरो हो गया के जी जीरो लेंथ मीटर में होती मीटर नहीं बचा टाइम तो बचा ही नहीं तो क्या हो गया यहाँ पर इसके डायमेंशन एम ज़ीरो ए ज़ीरो टी ज़ीरो एल माह होता है मास लेंथ टाइम तो यहाँ पर किसी भी यूनिट कोई बची रिमेनिंग ही नहीं है तो ना तो यहाँ पर मास बचा ना लेंथ बची ना टाइम बचा तो सेंस हम क्या कह सकते हैं रेशियो गिवन इज डायमेंशन लेस हमने ये प्रूफ कर दिया जो क्वेश्चन में बोला था कि डायमेंशन लेस है चेक करो इसको तुमने चेक कर लिया कर लिया ना अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ नेक्स्ट पोर्शन में क्या बोला गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो तो अब यहाँ पर अगर इस रेशियो की आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको के की वैल्यू रखनी पड़ेगी चा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखनी पड़ेगी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू रखनी पड़ेगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटोन की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी तो करें सॉल्व करना शुरू करें उसके पहले हम सारी वैल्यूज को देख लेंगे ठीक है वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट बाई लुकिंग अप दिजिकल और यू कैन नो आपको किसी लोगों लो को लर्न भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो अब हमको जिनको नहीं पता है नहीं लर्न है तो वो यहां देखने वाले हैं तो वॉट इज के हमने अभी क्या देखा था इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कॉन्स्टेंट उसके हम यूनिट ऑलरेडी देख चुके तो के जो वैल्यू होती है सो वॉट इज द के K की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था इक्वल टू होता है वैल्यूटिव पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलमस टू क्लियर नाउ वॉट इज द्रॉन व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दू मैं यहाँ पे कितने लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता है तो वो अभी देखने वाले हैं तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वन पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी पावर माइनस नाइनटीन कूलम

अब क्या करना है इतनी सारी वैल्यूज को हमें जो ये रेशियो गिवन है उसमें हमको इंसर्ट करना है ठीक है करें और जब कर लेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा ओनली मैथमेटिकल पोर्शन बच जाएगा जिसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों अब हमने क्या करा हमने करा कि जितनी भी वैल्यूज थी उनको इस फॉर्मूले इस रेशियो के अंदर इंसर्ट कर दिया इंसर्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे कैलकुलेट करोगे तो देन योर वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी टू पॉइंट थ्री इंटू टेंटेटिव पावर थर्टी नाइन टू पॉइंट थ्री इंटू टेंटि थर्टी नाइन आ गई वैल्यू अब इसको मैंने तो सॉल्व करके रख लिया था आप भी अपनी नोटबुक में सॉल्व करके देख लीजिए तो इतनी ही आनी चाहिए क्लियर तो अब यहाँ पर जो आपका ये वाला पोर्शन है वैल्यू ऑफ दिस रेशियो वो आपकी आ गई अब क्या बोल रहा है कि अब जो ये रेशियो है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी जो है वो क्या सिग्निफाई करता है कैसे पता चलेगा तो बच्चों यहाँ पर ये यह जो है ये आपका बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमने उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिनोट कर दिया एफिस से ठीक है अब ये वाला जो पोर्शन है ये आपको रेशियो जो हैमेटर वाला वो हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हमें डिनोट कर दिया एफ ई अपॉन एफ जी तो अब इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका वैल्यू आई है वो इसकी आई है किसकी आई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की अब यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज टू पॉइंट थ्री इंटू टू पावर थर्टी नाइन इंटू एफ जी अब ये आपका शो करेगा कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मच 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 ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक मच मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हो कि ये जो ये वाला जो फोर्स है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कि बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ नोटेड बाय एफ तो ये हमने इस रेशियो का सिग्निफिकेंस बता दिया बाई कैल्कुलेटिंग द रेशियो एंड हमने उसके पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट था डायमेंशन लेस बताना था वो हम कर चुके वैल्यू हम निकाल चुके और सिग्निफिकेंस क्या है वो हम बता चुके अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा फिनिश आई थिंक सो कि ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी क्लियर तो अब हम क्या करेंगे हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ तो चलो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 1.4 जिसमें कि पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है पहले पार्ट में क्या बोला है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज हमको क्या बताना है हमको बताना है कि जो स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वान्टाइज उसको हमें एक्सप्लेन करना है दूसरा ऑप्शन है आपके पास वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वै एन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस क्यों भैया वो जो हम इग्नोर कर देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब हम डील करते हैं बड़े लेवल पर माइक्रो लेवल पर तो हम क्यों कर देते हैं माइक्रो मतलब बड़े लेवल पर लार्ज लेवल पर तो क्यों इग्नोर कर देते हैं तो कैसे करेंगे पहले हम पढ़ते हैं पहला पार्ट तो आप मुझे ये बताओ क्वांटाइज क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब भी अगर आप देखते हो कि जो चार्ज है बॉडी का वो कभी आपने देखा कि ऐसे जम करके पहुंच गया हो नहीं पहुंचता है ना तो चार्ज हमेशा क्या करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है और ये जो चार्ज है अगर इसमें कैसे करते हैं क्यू इक्वल टू ई कोल टू टू ई क्यू इक्वल टू थ्री तो मतलब ये वन टू थ्री के फॉर्मेट में रहता है मतलब ये जो चार्ज है ये हमेशा हमारा इंट्रीगल फॉर्म में होता है कभी आपने देखा इस तरीके का चार्ज दैट वन वन बाई टू ई कभी आपने देखा है फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं देखा है ना मतलब हमेशा इस चार्ज का इंट्रीगल फॉर्म होगा क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं सपोज कि यहाँ पर ये एक चार्ज और ये एक चार्ज है तो ये अगर ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ना एक ले रहा है या फिर दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है या फिर दे रहा है बाईस वर्ष तो एक करेगा दो करेगा कभी ऐसा तो नहीं करेगा वन पॉइंट नैन वन पॉइंट ये तो ऐसे नहीं करेगा ना तो इसीलिए हमेशा ही जो चार्ज है हमारा दैट इज ओनली इंट्रीगल फॉर वन टू थ्री इस तरीके से रहता है चार्जेस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन द फ्रैक्शन फॉर्म तो जो भी कोई बॉडी है उसके अंदर कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में चार्ज नहीं रहेगा ओनली इंट्रीगल फॉर्म में रहेगा इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड बिकॉज दिस चार्ज इज़ ओनली अ इंट्रीगल फॉर्म्ड दैट मीन्स इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्मेट ऑफ इंट्रीगल नंबर ओके okay, ऐसा नहीं होगा कि उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दें तो पहला पार्ट तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब चलते हैं दूसरे पार्ट में कि जो हमारा क्वांटाइजेशन का जो शब्द है इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम जब हम बड़े लेवल पर चार्जेस लेकर जाते हैं तो इग्नोर क्यों कर देते हैं ये बताना है तो जब आप बड़े लेवल पर जाओगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाओगे तो क्या हो जाता है तो जब आप देखो अब अगर चार्ज है अभी अगर इसको मैं बहुत सारे बड़े लेवल्स पर अगर ले जाती हूँ इन चार्जेस को तो क्या ये क्वांटाइज्ड रहेगा नहीं रहेगा मतलब तब क्या रहेगा अगर ये चार्जेस है इधर पे तो क्या रहेंगे ये चार्जेस ये उस टाइम पर कंटीन्यूस फॉर्मेट में रहेंगे मतलब यहाँ पर जो क्वांटाइजेशन है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वो किसी भी काम का नहीं रहता है क्वांटाइजेशन मतलब था इंट्री अगर आप बड़े लेवल पर जाओगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंटीन्यूस कंटीन्यूस कहलाएगा सपोज़ की कोई बॉडी है अगर मैंने कोई ऐसे कहीं करके या फिर मैंने ये जो एक ड्रॉ करा एक लाइन है ये चार्ज है तो मैंने यहाँ पर इतने छोटे छोटे एकदम ऐसे ऐसे कर देती हूँ और ये इस तरीके से जा रहा है तो यहाँ पर आप सोचा बड़े लेवल पर जाओगे तो आपको ये कंटिन्यूस ही दिखेगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आपको ये जो चीज़ है ये कंटीन्यूस फॉर्म में मिलेगी इसीलिए हम कहते हैं हम इग्नोर कर देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन वी आर डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक और यू कैन से अ लार्ज स्केल लेवल तो दैट टाइम द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंसीडर्ड टू बी अ कंटीन्यूअस फॉर्म क्लियर हो गया तो हमने पहला पार्ट देख लिया दूसरा पार्ट देख लिया मतलब चीजें हो गई एकदम क्लियर आपने भी कर लिया मेरे साथ इसको बिल्कुल सॉल्व तो अब हम कहाँ पर जाएंगे इसके अगले क्वेश्चन पर जाएंगे एनसीईआरटी के चलें तो बिल्कुल चलिए मैम तो चलिए हम आ गए हमारे अगले क्वेश्चन पर जिसका है 1.5 तो इसमें क्या है वेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ मतलब एक ग्लास रॉड है एक सिल्क क्लॉथ है उसको रब करना है अ चार्जेस अपियर ऑन बोथ अ सिमिलर फिनमिना इज ऑब्जर्ब विथ मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडी एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चलो देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा मेरा ग्लास का रॉड ठीक है ये रहा मेरा सिल्क का क्लोथ ये हो गया सिल्क का क्लोथ और ये रहा मेरा ग्लास का रॉड अब यहाँ पर मुझे क्या करना है इन दोनों के बीच में मुझे रबिंग करनी है रब करने हैं मतलब ऐसे ऐसे करना है जब इसमें रबिंग होगी तो जब भी कभी रबिंग होती है दो चीज़ों के बीच में तो क्या होता है चार्जेस क्रिएट होते हैं ठीक है ये इलेक्ट्रॉन देगा ठीक है तो ये पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आगे दे दिए इसने ये इसने एक्सेप्ट कर लिया ये नेगेटिव हो गया मतलब अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिया मतलब चार्जेस तो यहाँ पर जा रहे हैं लेकिन वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं बट उनका जो आपका जो साइन है वो क्या रहेगा अपोजिट मतलब अगर एक पॉजिटिव है जिसने लिया वो पॉजिटिव हो गया जिसने लिया वो नेगेटिव हो गया मतलब जब भी हम रबिंग करेंगे दो बॉडीज़ की तो चार्जेस तो अपीयर होंगे बट दैट ऑफ अपोजिट नेचर चार्जेस दोनों जगह पर इक्वली होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे बट अपोजिट रहेंगे और इसी को यहाँ पर जो चार्जेस जो क्रिएट हो जाएंगे वो पेयर्स में फॉर्मेट होंगे प्लस सी माइनस सी इस तरीके से मतलब यहाँ पर अब जो ग्लास रॉड है वो हमारा हो गया पॉजिटिव फॉर एग्जाम्पल एंड जो सिल्क का क्लोथ है वो हो गया नेगेटिव तो इसी को हम बोलते हैं चार्ज बाय फ्रिक्शन हमने रब करा चार्जेस प्रोड्यूस हुए इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन के दैट मीन्स अपोजिट इन नेचर रब करने से हो गया तो अब यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं कि एक चार्ज दिया एक चार्ज लिया तो इसमें क्या हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ ठीक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर रहा हमारा तो यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो कितना हो जाएगा प्लस सी माइनस सी जीरो नेट चार्ज जीरो मतलब कंजर्वेशन हो गया अब यहाँ पर बोला है कि इसी ऑब्जर्वेशन को लेकर अगर हम देखें अदर बॉडीज़ के ऊपर तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन रहता है बिल्कुल रहता है क्योंकि हमने देखा कि जब दो बॉडीज़ अगर रब होती हैं उनमें चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं बट वो अपोजिट रहते हैं तो नेट चार्ज जो है वो हमारा ज़ीरो हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल एक चार्ज उसने दिया ग्लास रॉड ने दूसरे ने एक चार्ज लिया मतलब प्लस सी माइनस सी नेट चार्ज विल बी ज़ीरो दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पर हो रहा है और ये जो रबिंग वाला पार्ट है जिससे हम चार्जेस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं चार्ज बाय फ्रिक्शन यहां पर हो गया बिल्कुल बात दिमाग में एकदम क्लियर मतलब कोई भी डाउट नहीं रहा क्या करा हमने ग्लास रॉड वाला पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए चाहे वो कोई भी बॉडी हो उसमें अगर हम रबिंग कर रहे हैं तो क्या रहेगा हम समझ गए ठीक है अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं आपने समझ लिया है तो हम कहां पर जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स तो बच्चों 1.6 में आपको क्या दिख रहा है 1.6 में आपको दिख रहा है कि फोर पॉइंट चार्जेस हैं जिनके नाम दिए गए हैं क्यू वे क्यू बी क्यू सी क्यू डी क्यू वे की वैल्यू है टू माइक्रोकुलम क्यू बी की वैल्यू है माइनस फाइव माइक्रोकुलम और क्यू सी की वैल्यू है टू माइक्रोकुलम क्यू डी की वैल्यू माइनस फाइव कूलम जो कि एक स्क्वायर है जिसका नेमिंग है ए बी सी डी के फॉर्मेट में उसके कॉर्नर्स पे रखा गया है और स्क्वायर की साइड हमको दी गई है टेन सेंटी टेन सेंटीमीटर दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर तो सारी साइड्स क्या हो जाएंगी टेन सेंटीमीटर की हो जाएंगी वॉट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ वन माइक्रोकुलम हमें क्या निकालना है फोर्स निकालना है कितने कब निकालना है जब एक चार्ज है उसको उठा के उन्होंने सेंटर पे रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है वन कूलम मतलब हमको यहाँ पर एक स्क्वायर गिवन है बना लेते हैं स्क्वायर स्क्वायर का क्या होता है चारों साइड इक्वल होती है हमने इनका नेमिंग क्या क्वेश्चन में दी गई है ए बी सी डी तो हमने भी कर लिया ए बी सी डी क्यू वे पे जो चार्ज है हमारा उसकी वैल्यू है टू माइक्रोकूलम रख दिया हमने Qb की जो वैल्यू है वो है आपकी माइनस का फाइव माइक्रोकूलम नेगेटिव है Qc की वैल्यू है टू कूलम एंड Qd की वैल्यू है माइनस फाइव माइक्रोकूलम दिख गया आपको अब क्या बोला था कि एक सेंटर पर चार्ज है तो हमने इसका डायगोनल्स बनाए फिर हमने यहाँ पर एक सेंटर लोकेट कर दिया तो ये रहा हमारा सेंटर जिसका हमने नाम रख दिया ओ इस पर हमारी जो वैल्यू गिवन है वो है आपकी वन माइक्रोकूलम कितनी है वन माइक्रोकूलम अब यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हमने उठा के एक फिगर में रख दिया है अब हमको क्या निकालना है हमको निकालना है फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ वन माइक्रोक्लोलम्ब प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इसके ऊपर फोर्स निकालना है तो चलिए इसको ही लेके काम करेंगे ना इसके ऊपर निकालना है अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो सेंटर है अगर इसकी हम फोर्स निकालें तो इसका फोर्स कहा लगेगा बी और ओ के बीच में अगर आप फोर्स निकालते हो ये साइड हमारी टेन सेंटीमीटर की दी है ठीक है अगर आप इसका कैलकुलेट करने जाओगे फोर्स आपके पास चार्ज गिवन है दो चार्ज गिवन है Q1 q2 कोई भी ले लो ये q1 ले लो ये q2 ले लो वॉट तो दो चार्ज आपको गिवन है इनकी डिस्टेंस भी आप निकाल लोगे स्क्वायर आपको गिवन है तो ट्रायंगल के फॉर्मेट में लेके इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे ज़रूरत नहीं है पर निकालना चाहो तो कॉम्प्लिकेट तो मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सकते हो बट अगर आप एक लॉजिक लगाओ तो यहाँ से एक लॉजिक क्रिएट होता है कि हम कूलम्स लॉ भी लेते हैं कूलम्स लॉ क्या होता है एफ़ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर जिसमें दो चार्ज हमको चाहिए दो चार्ज हमारे पास चाहे के कॉन्स्टेंट अभी हमने सोच लिया आर हम नहीं निकाल रहे क्योंकि एफ़ जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे दो चार्ज हैं दोनों का जो नेचर है वो बिल्कुल अपोजिट है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है दो चार्ज जैसे एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो वो क्या करते हैं उनके बीच में जो फोर्स है कैसा लगता है किस नेचर का लगता है अट्रैक्टिव नेचर का लगता है मतलब ये जो चार्ज है ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसका फोर्स जो है वो हमने डिनोट कर दिया एफ बी ठीक एफ बी की क्या लिख सकते हो अगर आप लिखना भी चाहो अभी मैं वैल्यूज नहीं पुट कर रही हूँ के को k रहने देती हूँ क्यू वन की जगह पर मैंने रख दिया फाइव माइनस का फाइव क्यू टू की जगह पर मैंने रख दिया वन अपॉन आर ये हमारा फोर्स आ गया बी पर अट्रैक्टिव है अब दूसरा फोर्स देखो यहाँ पर डी की तरफ जैसे इसके अपोजिट आ जाओ तो डी की तरफ भी अगर आप देखोगे तो जो डी पर चार्ज है वो है आपका नेगेटिव और जो ओ पे चार्ज है वो है पॉजिटिव तो अगेन पहुंच जाते हैं कुलम लो एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपन आर एस दोनों ही अगर फोर्स हमारे अपोजिट नेचर के होते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव खिंचा चला जाएगा भैया नेगेटिव के पास तो इसका भी फोर्स कहाँ लग जाएगा हमारा इस तरफ ठीक है अट्रैक्ट कर रहे हैं तो एफ डी क्या से डिनोट कर लोगे गैली झटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा के इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा वन ये आप रख लोगे माइनस का फाइव अपो स्क्वायर इसको, इसको अगर इंटरचेंज भी कर दिया मैंने मान लो क्यू वन की जगह माइनस फाइव रख दिया क्यू टू की जगह वन रख दिया तो कोई चेंज होगा नहीं होगा मैम क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर एफ बी एफ डी लिख दिया अब बचते हैं ये ए और सी और e सी को देखोगे तो जो ए पर जो चार्ज है और जो ओ पे चार्ज है वो कैसा है हमारा अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव नहीं नहीं वो रिपलसिव है है क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है हमारे उनका जो नेचर है वो सेम है पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं वो हमारे क्या करते हैं रिपल करते हैं तो यहाँ पर इसका जो फोर्स लगेगा वो कहाँ पर लगेगा दूर दूर फेंकेगा ना क्योंकि रेपल कर रहा है तो एफ ए हमारा लगेगा इधर सिमिलरली एफ सी वन टू नेगेटिव नहीं है एक भी चार्ज मतलब रेपल करेगा तो एफ सी तो यहाँ पर हमारा एफ ए अगर हम वैल्यूज ना रखते हुए सिर्फ जो हमें अभी गिवन है उतना ही पुट कर रहे हैं तो एफ क्या हो जाए एफ ए क्या हो जाएगा कि क्यू वन मान लो क्यों ही है तो टू वन अपॉन आर स्क्वायर एफ सी क्या हो जाएगा सेम टू वन अपॉन आर स्क्वायर अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एफ बी है जो और एफ डी है वो ए सेम है बट दूर जा रहे हैं है ना बट वैल्यू सेम है तो क्या करेंगे ये दोनों जो है एक अगर नेट फोर्स निकालोगे तो कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को यहाँ पर भी ये जो हमारा एफ ए और जो एफ सी है वो भी कैंसिल करेंगे क्यों कर रहे हैं मैम है ना यही दिमाग में आएगा तो ये जो क्वेश्चन मार्क दिमाग में आया कि क्यों कर रहे हैं वो अभी मैंने अभी बताया फिर से बता दे रही हूँ जो फोर्स जो है ओ और बी के बीच में ओ और बी के बीच में है वो है अट्रैक्टिव फोर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विथ ओ एंड डी फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड विथ ओ एंड डी फोर्स दैट मीन्स एफ बी इक्वल टू एफ डी एंड इट विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड अदर यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है जो ओ एंड ए के बीच में जो फोर्स है वो रिपल्सिव है मतलब भग रहा है तो भगा हुआ यहाँ पर आ गया सिमिलरली ओ और सी के बीच में भी रिपल्सिव है तो एफ ए और एफ सी का भी जो फोर्स है वो रिपल्सिव नेचर है वो भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा सिम तो इस यहाँ पे क्या हो गया एफ डी एफ डी और एफ बी एंड एफ इक्वल टू एफ सी है हमने अभी क्या देख लिया हमने देख लिया ए और सी वो दोनों ही इक्वल है मैग्नीट्यूड में तो यहाँ पर जो एफ ए है वो कैंसिल कर रहा है फोर्स ऑफ सी एंड एफ बी कैंसिल कर रहा है फोर्स ऑफ डी तो यहाँ पर अगर कॉर्नर पे निकालना है ना हमको निकालना कहाँ पे यहाँ तो नहीं निकलना है कहाँ बोला उसने निकालने को फोर्स हमको सेंटर पे निकालने को बोला है तो सेंटर पे फोर्स की अगर बात करोगे अगर एफ ए ने एफ सी को कैंसिल कर दिया है बी ने एफ डी को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास जो सेंटर में नेट फोर्स है वो क्या बचेगा ज़ीरो क्लियर क्योंकि हमने सारी सिचुएशन इस स्क्वायर की यहां पर रख के देख ली तो फोर्स ऑन चार्ज ऑफ वन माइक्रोकुल प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर तो नेट फोर्स क्या हो गया हमारा जीरो क्लियर क्योंकि यहाँ पर एफ और एफ के बीच में हमने देखा था कि ये जो ओ सेंटर से बी तक के डिस्टेंस में अट्रैक्टिव था ओ से डी का अट्रैक्टिव था बट बाकी दोनों कंडीशन में रिपल्सिव था तो उन्होंने सब लोगों ने एक दूसरे को मिलकर एक सेंटर पर नेट फोर्स तक आ दिया जीरो आई थिंक आपने ये कर लिया होगा मेरे साथ सॉल्व यहाँ तक नहीं रहा होगा कोई डाउट हमने सब कुछ देख लिया समझ लिया क्लियर कर लिया दिमाग में अगर प्रैक्टिस भी करी है साथ में तो अब हम कहाँ जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 1.7 1.7 में क्या दिया है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटीन्यूस कर्व दैट इज़ अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक्स व्हाई नॉट अब उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोसैटिक जो फील्ड लाइन है अगर वो कंटीन्यूअस कर्व है तो उसका मतलब ये क्यों होता है कि जो फील्ड लाइन है उसमें कोई सडन ब्रेक्स नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते ये है आपका पहला पार्ट दूसरा पार्ट है एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी ऑफ द पॉइंट जो दोनों दो फील्ड लाइन है वो कभी भी एक दूसरे का पाथ क्यों नहीं क्रॉस कर सकती ये दो क्वेश्चंस है किसके अंदर 1.7 के अंदर इसको तो पढ़ते हैं अच्छा आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर बोला ही गया है कि कंटिन्यूअस कर्व है तो आपने अगर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोला है तो वहाँ फील्ड लाइन पर चार्ज होगा आप सबको पता है कि अगर फील्ड लाइन में जो चार्ज है वो भी कंटिन्यूस ही रहेगा क्यों कंटिन्यूस रहेगा कैसा कभी देखा है क्या कि अगर ये एक है ये एक है तो यहाँ से यहाँ पे ये जंप कर जाए इस फील्ड लाइन में नहीं जैसा भी है ये ट्रेस करेगा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ट्रेस कैसे चलेगा चार्ज इन न फॉर्मेट ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के तो जो फील्ड लाइन है उनमें भी कभी ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि जो चार्ज है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप करके नहीं जाएगा बात हुई क्लियर बात क्या मैंने बोली फिर से सुन लो इलेक्ट्रोसैटिक फील्ड में कंटिन्यूस कर्व इसलिए होता है क्योंकि जो चार्जेस हैं हमारे वो भी एक कंटिन्यूस फोर्स होते हैं अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें ये स्ट्रेट ही ट्रेवल करेंगे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से इस पॉइंट से उठा के जो चार्ज है वो इस पॉइंट पर जाएगा नहीं जैसी हमारी जो फील्ड बनी हुई है उसी को वो ट्रेस करते उसके पीछे पीछे वो चार्ज पहुंच जाएगा चार्ज जंप नहीं कर सकता इसीलिए इलेक्ट्रोसैटिक फील्ड जो है वो हमारी एक कंटीन्यू

कर दिए उन्होंने अगर इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस तो अब इसकी डायरेक्शन क्या मानूँ मैं इस तरफ मानूँ इस कि इस तरफ मानूँ कोई आप डायरेक्शन मेंशन कर सकते हो इस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं कर सकते हैं इसीलिए क्या होता है कि दो इलेक्ट्रो को फील्ड जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं कि अगर उन्होंने गलती से एक दूसरे को क्रॉस कर दिया तो इस पॉइंट पर हमारे लिए डायरेक्शन बताना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसीलिए एक दूसरे को ये क्रॉस क्योंकि यहाँ पर क्रॉस करने के बाद जो इलेक्ट्रो फील्ड इंटेंसिटी है क्योंकि देखो फील्ड जाएगी तो उनकी दोनों की अपनी खुद की डायरेक्शन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी दो डायरेक्शन हो जाएंगी तो आप ये नहीं बता पाओगे कि इस पॉइंट पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या है इसीलिए हम कहते हैं कि टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी ऑफ द पॉइंट बात हो गई क्लियर मतलब सेवन क्वेश्चन के दोनों पार्ट हमारे दिमाग में छप गए हैं और हमने मेंशन भी करके अपनी नोटबुक में लिख भी ली है नहीं भी लिखे हैं तो फिर से पॉज करके आप दोबारा भी लिख लोगे है ना तो आप इसको लिख लेना नोटबुक में और समझ तो मैंने समझा तो मैंने दिया ही है और आई थिंक आपको समझ में आ भी गया होगा अब हम कहाँ पर जाएंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ तो तब तक बिल्कुल प्रिपेयर रहना एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए तो बच्चों आपको दिख रहा है ना 1.8 1.8 में क्या बोला है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं ए एंड बी उनके चार्जेस आपको गिवन है क्यू बी क्यू बी एक का चार्ज है थ्री माइक्रोकुल दूसरे का चार्ज है माइनस थ्री माइक्रोकुल्यम उनको हमने लोकेट कर दिया है कितनी दूरी पर ट्वेंटी सेंटीमीटर की दूरी पर और वो वैक्यूम में है पहला आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इसके मिड पॉइंट जिसका नाम उन्होंने रखने को बोला है वो ठीक है दूसरे में आपको बोला है कि इसी इस टेस्ट चार्ज रखना है एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखना है जिसका मैग्नीट्यूड है वन पॉइंट फाइव इंटू टें पावर माइनस नाइन कूलम जो कि इस पॉइंट पे रखना है और वहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना है तो ये हो गया आपका क्यूबे ये हो गया आपका क्यूबी ये आपको गिवन है इसमें आपको मैंने नाम लिख दी है तो आपके पास ए बी गिवन है गिवन है ए बी इक्ल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर अगर ए बी गिवन और ओ उसने मिड पॉइंट बोला है तो ओ एक्ल टू ओ भी क्या हो जाएगा टेन सेंटीमीटर क्या मैं सेंटीमीटर में रहने दूँ नहीं हम इसको किस में करेंगे मीटर में कन्वर्ट टेन इंटू टू पावर माइनस टू मीटर हो गया निकाल लिया अब हमें चार्जेस गिवन है कितने क्यू ए है आपको थ्री माइक्रो क्यू बी है आपको माइनस थ्री कूलम क्या मैं इसको माइक्रो कूलम में रहने दू नो no. हम क्या करेंगे कूलम को कूलम में कन्वर्ट कर देंगे थ्री इंटू टेंटेटिव पावर माइनस सिक्स कूलम एंड यहां पर हो जाएगा माइनस थ्री इंटू टें पावर माइनस सिक्स कूलम ये हो गया आपका क्यूबी ये हो गया आपका क्यूबे अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन जितनी भी चीजें हैं ना वो आपको मेंशन हो गई है इन सिंपल फॉर्मेट नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द ए पार्ट ए पार्ट में है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ठीक है अब यहाँ पर आप ये बताओ कि पहले हम एक चार्ज के को लेकर इस पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अज्यूम कर लेते हैं हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी ओ पे वो हम निकाल रहे हैं ड्यू टू ए जो है हमारा पॉजिटिव थ्री कूलम फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वन अपॉन फोर पाए नॉट Q upon R square. Here R इज what oa ए फॉर चार्ज A. तो आपने लिख दिया ओ ए स्क्वायर ठीक है अभी यहाँ पर एक दिमाग भी मैं याद रखना है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब फार्मूला किसका लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो रेडियली इनवर्ड होगी क्या आउटवर्ड होगी तो हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज के कारण जब किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है तो वो आउटवर्ड होती है इनवर्ड नहीं होती है मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच से बाहर आउटवर्ड होगी मतलब यहाँ कहीं होगी ई ए ठीक है तो मतलब हम कैलकुलेट क्या कर रहे हो आप ई ए चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं द वैल्यू ऑफ दिस इज नाइन इंटू टेंटि पावर नाइन एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ क्यू ए क्यू ए की वैल्यू क्या है थ्री इंटू टेंटि पावर माइनस सिक्स एंड आपके पास ओ की वैल्यू है टेन इंटू टेंट टू पावर माइनस टू होल का स्क्वायर सॉल्व करते हैं क्या करेंगे सॉल्व करते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे जो पावर्स वाले पोर्शन है ना उनको अलग कर देते हैं और नीचे वाले डिनोमीटर को सॉल्व कर लेते हैं तो नाइन इंटू थ्री इंटू 10 टू पावर नाइन इंटू टू माइनस सिक्स और नीचे टेन का स्क्वायर इज हंड्रेड इंटू टेंटि पावर माइनस फोर हो जाएगा माइनस टू इंटू टू तो फोर हो गया मतलब माइनस का फोर आ गया अब ये जो दो जीरो है वो इससे कटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेवन टेंटि पावर सेवन बचेगा टें नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन टू टिव पावर सेवन इंटू टेंट पावर माइनस सिक्स और यहाँ पर डिनोमिनेटर का जो टेन टू पावर माइनस फोर बचा है उसको हम कहाँ ले जाएंगे ऊपर? टेन टू पावर टेन टू पावर माइनस टू तो यहाँ पर बचा आपके लिए ट्वेंटी सेवन टू टेंट पावर फाइव ना वॉट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन यह हो जाएगा दिमाग में कि मैम अभी तक हम पढ़ रहे थे फोर्स वाला वोशन इलेक्ट्रिसिटी फोर्स की हम देख रहे थे फिर हमने सबकी चीज़ों की देखी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं भूल गया नहीं भूलना है याद रखना है न्यूटन पर कूलम न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बिल्कुल हमारा ये क्या निकला है ई ये निकला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू क्यू ए हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर अब हमको क्या कैलकुलेट करना है अब हम निकालेंगे हमने अभी इस वाले के लिए निकाल लिया इस वाले के लिए रिमेनिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट और ड्यू टू बी अब इसकी हमने डायरेक्शन देख ली थी एक की क्योंकि वो आउटवर्ड है क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है एक का यहाँ पर क्या रहेगी वो भी अभी हम देखेंगे अब मैंने क्या करा आपको कुछ दिख रहा अंतर मैंने क्या किया यहाँ पे ये जो चार्ज लिखा था उसको हटा दिया है तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्यू बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ओ ड्यू टू क्यू बी और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट कर लेंगे ई बी से और डिस्टेंस जो रेडियस थी वो हो जाएगी यहाँ पर ओ बी ठीक है और ये हो गया बी ठीक है अब यहाँ पर जो वैल्यूज है वो तो सेम है साइन हम लेंगे कैलकुलेशन के टाइम नहीं लेंगे ये यहाँ पे यूज़ क्या है साइन का यहाँ पर यूज़ होगा कि ये जो ई बी की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी देखो यहाँ पर है निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी इस पॉइंट ओ पर वो होगी हमारी रेडियली इन्वर्ट मतलब अभी यहाँ पे आउटवर्ड था तो इसलिए आया इन्वर्ट है तो इन दोनों के बीच में ही तो ये हो गया आपका ई बी ठीक है तो ए ए बी हो गया वैल्यू तो सेम ही आएगी क्योंकि हम नेगेटिव का यूज़ नहीं करेंगे मतलब सेम कैलकुलेशन रहेगी अब हम क्या निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कहाँ पर प्रियूज होगी ओ ओपे प्रीयूज होगी बिल्कुल होगी ठीक है बिल्कुल हमको वही निकालना है तो चले आप वो कैलकुलेट करते हैं अब हम निकालने क्या चाह रहे हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम डिनोट कर लेते हैं ई से वो हो जाएगा आपका ए ए प्लस ई बी और यहाँ पर आपके पास वैल्यू है दोनों सेम ट्वेंटी सेवन इंटू पावर फाइव एंड प्लस हो जाएगा ट्वेंटी सेवन इंटू यूनिट क्या रहेगी न्यूटन पर कूलम हमने क्या करा पावर को निकाल लिया बाहर अंदर हो गया ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन वो हो गया हमारा फिफ्टी फोर तो आपका आंसर ये छोड़ सकते हो या फिर आप कर सकते हो 5.4 10 to the power 6 क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ देख लो अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगी तो 10 आएगा मतलब यहाँ 5 हो जाएगा तो बिल्कुल मैम आप लिख सकते हो 5.4 10 to the power 6 यूनिट रहेगी न्यूटन कूलम और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी ऊपर वो होगी अलोंग ओबी देख रहे हो ना ओबी की तरफ ही है सबकी डायरेक्शन तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जी ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जो हमारा मिड पॉइंट है वो वो हमारी कहाँ हुई जॉइनिंग द टू चार्जेस वो कहाँ पर फाउंड हुई है अलॉन्ग ओ वी एंड द वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5.4 पॉइंट फोर इंटू टें पावर सिक्स न्यूटन परकुलम ये हो गया क्लियर ये पार्ट हो गया होगा बिल्कुल क्लियर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कैलकुलेशन की है प्रॉपर की है कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अब किस पर जाएंगे हम हमारे बी पार्ट पर अब बी पार्ट में क्या बोला है कि एक फो, हमको फोर्स कैलकुलेट करना है टेस्ट चार्ज के ऊपर उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू हमको दी है नेगेटिव में मैग्नीट्यूड क्या दिया है माइनस वन वन पॉइंट फाइव इन ट्वेंटी पावर माइनस नाइन और साइन क्या रहेगा नेगेटिव स्टार्टिंग में ही लिखा है तो वो है आपका इस सेंटर पॉइंट पर एट दिस पॉइंट का मतलब एट पॉइंट मिड पॉइंट इसको मैंने डिनोट कर दिया क्यू ओ से तो क्यू ओ की वैल्यू आपके पास है माइनस वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन को आपको निकालना है फोर्स आपके पास है ई e, आपके पास क्यू ओ पता है एंड ई e पता है तो आपको क्या कैलकुलेट करना है फोर्स फोर्स कहाँ पे कैलकुलेट करना है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज अगर आप लोगों को याद हो तो फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज जिसको हमने डिनोट कर दिया है एफ से इज इक्वल टू क्यू ई यहाँ पर जो Q है वो है क्यू ओ और E तो हो गया नॉर्मल क्या होता है ये होता है बिल्कुल होता है मैम अब क्या करेंगे हम यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे अब क्या करेंगे सिंपल हो गया क्यू ओ की वैल्यू क्या दी है माइनस वन पॉइंट फाइव इंटू टेंटि पावर माइनस नाइन एंड ई की वैल्यू आपको पता है फाइव पॉइंट फोर इंटू पावर सिक्स ये आपको गिवन है गिवन मतलब आपने सॉल्व करके जो निकाला था उसके लिए बोल रही बी पोर्शन के लिए आपके पास गिवन है अब मुझे आप ये बताओ क्या मुझे जो यहाँ पे नेगेटिव रखने की जरूरत है नहीं है मैंने पॉजिटिव कर दिया इसको जब आप सॉल्व करोगे इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ रहा है वन पॉइंट फाइव इंटू फाइव पॉइंट फोर का मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आएगा तो वो आपका आएगा एट पॉइंट वन अब बात करते हैं डेसीमल की जो हमारा ये जो पावर वाला पोर्शन है पावर वाला पोर्शन की बात करोगे तो टेंटि पावर माइनस नाइन इंटू टेंटिव पावर सिक्स टेंटिव पावर माइनस नाइन प्लस सिक्स वो हो गया आपका टेंटि पावर माइनस थ्री अब ये बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन न्यूटन आपका फोर्स आ गया एट पॉइंट वन इंटू पावर माइनस थ्री न्यूटन अब ये बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी मतलब सबके बता रहे डायरेक्शन ये है ओ ए की तरफ है ओ बी की तरफ है किस तरफ होगा अब ये बताओ ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर है पॉजिटिव यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज था ना कितना था ए पर है आपका थ्री माइक्रोकुल बी पर है आपका माइनस थ्री कुलम तो अब ये जो क्यू ओ है और जो क्यू ए है वो क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज अपोजिट इन नेचर है और ये क्या करेंगे रिपल करेंगे दूर भागेगा मतलब ये इस तरफ भागेगा और ये तो इस तरफ भागेगा ही तो मतलब इस फोर्स जो यहाँ पर एग्जर्ट होगा इस पॉइंट पर वो कहाँ पर होगा किस डायरेक्शन में होगा ओ एक ए के डायरेक्शन में होगा तो अलोंग आपका हो गया ओ बात हुई क्लियर क्यों हुआ क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है ये है आपका इसका मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव में दिया है नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा गया है मैग्नीट्यूड जो हो इसका निग्ट 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 गया इसका 1.5 पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी पावर माइनस नाइन हमें इससे कोई मतलब नहीं है हमें साइंस से मतलब है और ए पर जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है बी पर है जो नेगेटिव चार्ज है तो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपोजिट चार्जेस से अट्रैक्ट करेंगे और जो आपके दूसरे साइन की जो एक साइन आपका सेम है वो रिपल करेंगे मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा ये भागेगा ये क्या भागेगा इस तरफ रिपल करेगा और ये दोनों तो अट्रैक्ट करेंगे ही तो यहाँ पर ही कहीं ना कहीं फोर्स लगेगा तो आपका फोर्स कहाँ लग रहा है फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज एस 8.1 पॉइंट वन इन पावर माइनस थ्री न्यूटर्न अलॉन्ग ओ ए बात हो जानी चाहिए क्लियर क्वेश्चन हम कर चुके हैं पूरा सॉल्व ए पार्ट भी कर चुके हैं बी पार्ट भी कर चुके हैं ए पार्ट से वैल्यू निकाल कर उसका हमने यूज करा है बी पार्ट के अंदर और हमने आंसर निकाल ली है कोई डाउट आया कोई डाउट नहीं आना चाहिए और आपने साथ में मेरे प्रैक्टिस की होगी कोई कैलकुलेशन में भी तो आप खुद भी कर रहे होंगे खुद भी देख रहे होंगे कि वैल्यू आई की यही तो यहाँ तक हो गई सारी चीज़ें क्लियर अब हम जाएंगे हमारे अगले क्वेश्चन जिसका नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर नाइन हो जाएगा क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं ये सॉल्व कर चुके हैं और आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ तो बच्चों हमारा नाइन क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर कि एक सिस्टम है जिसके पास दो चार्जेस हैं क्यू ए जिसकी वैल्यू है टू पॉइंट फाइव इंटू टेंटिव पावर माइनस सेवन कोलम और दूसरा है क्यू बी माइनस टू पॉइंट फाइव इंटू टेंटिव पावर माइनस सेवन कोलम ये कहाँ लोकेटेड है एक जो तो चार्ज है वो क्यू ए क्यू एट पॉइंट ए पर लोकेटेड है दूसरा है पॉइंट बी पर जिनकी हमें डायमेंशन दी है जीरो जीरो माइनस फिफ्टीन जो हो गया आपका एक्स Y, Z. तो आपको दिखा ये हमने लिख दिया X, Y, Z. ये हो गया यहाँ पर भी B, X, Y, Z. इसका मतलब क्या है कि आपका X जो है जीरो है Y ज़ीरो है लेकिन Z जो है माइनस फिफ्टीन पर है B में भी प्लस फिफ्टीन पर है ठीक है वॉट आर द टोटल चार्जेस एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम हमें कैलकुलेट करना है टोटल चार्जेस एंड डाइपोल मूवमेंट सबसे पहले हमने क्या किया हमको यहाँ से ये यह दिख रहा है कि थ्री डे थ्री डी फॉर्म में है तो हमने एक्स लोकेट कर ली वाई लोकेट कर लिया जेड इसका ये वाला पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा ये नेगेटिव ये नेगेटिव ठीक है वाई जेड का ये नेगेटिव वाई का ये नेगेटिव एक्स का ये नेगेटिव हमको यहाँ पे लोकेशन कैसे दी है हमको एक ही लोकेशन दी थी जीरो ज़ीरो माइनस फिफ्टीन हमने यहाँ से खींचा जहाँ माइनस फिफ्टीन इधर आया तो यहाँ पर हमने लोकेट कर दिया और यहाँ पर हो गया ज़ीरो जीरो प्लस फिफ्टीन यहाँ पर जो इसकी वैल्यू दी है और क्यू ए क्या गिवन है हमें गिवन है क्यू ए विच इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव इंटू टेंटि पावर माइनस सेवन कूलम क्यू बी गिवन है आपके लिए माइनस टू पॉइंट फाइव इंटिव पावर माइनस सेवन कूलम। ठीक है कहाँ पर है पॉइंट ए और पॉइंट बी पर कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज पहले सबसे पहले अब आप मुझे ये बताओ इसको देखकर कि यहां पर जो हमने लोकेशन कर दी अगर चार्ज कैलकुलेट करने जा रहे हो तो टोटल चार्ज क्या होगा क्यू ए प्लस क्यू बी ठीक है तो टू पॉइंट फाइव टू टेंट पावर माइनस सेवन प्लस माइनस टू पॉइंट फाइव इंटू टेंट पावर माइनस सेवन कूलम तो टोटल चार्ज जो है सिस्टम के ऊपर वो कितना हो जाएगा ज़ीरो नेट चार्ज कितना हो गया ज़ीरो कहाँ पर सिस्टम के ऊपर क्लियर हुआ तो हमारा टोटल चार्ज कहाँ पर ऑफ द सिस्टम इज़ कैलकुलेटेड एज ज़ीरो ठीक है यहाँ तक हो गई बात अब आ जाते हैं डाइपल मोमेंट तो दो चार्जेस के बीच में अगर हम डाइपोल मोमेंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर लेंथ कितनी लेते हैं टूवेल्व और इसकी डायरेक्शन क्या रहती है डाइपोल की माइनस क्यू टू क्यू ये तो हो गया नॉर्मल एक डाइपोल मूवमेंट में होता क्या है यहां पर कैसे कैलकुलेट करोगे कैसे करेंगे कैलकुलेट सबसे पहले में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स डिस्टेंस की अगर बात कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स की अगर बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन विच इज इक्वल टू थर्टी ठीक है थर्टी सेंटीमीटर सेंटीमीटर में वैल्यू लेते हैं नहीं लेते हैं मैम इतनी बार से कर रहे हो जीरो पॉइंट थ्री मीटर हो गया ठीक है तो हमारा क्या आ गया डिस्टेंस हमने निकाल लिया दो चार्जेस के बीच में विच इज इक्वल टू फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन दैट इज इक्वल टू थर्टी सेंटीमीटर ज़ीरो पॉइंट थ्री मीटर अब हम कैलकुलेट करेंगे फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जिसको हम डिनोट किससे करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रोल तो डाइपोल को हम डिनोट करते हैं पीस से से रेड करेंगे पी से दो चार्जेस के बीच डिस्टेंस गई मीटर तो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा होता है आइदर यू कैन से क्यू ए इंटू डी और क्यू बी इंटू डी एंड इट इज डिनोटेड बाई पी क्लियर हो रहा है यहाँ तक पी से नोट करते हैं या तो आप इस वाले चार्ज को लेके कैलकुलेट करो या तो इस वाले चार्ज को लेके कैलकुलेट करो करते हैं कैलकुलेट तो यहाँ पर अगर क्यूवे की बात करें तो क्यूवे की वैल्यू है टू पॉइंट फाइव इंटू टेंट पावर माइनस सेवन एंड डाइपोल हमारा गिवन और डी हमारा गिवन है जीरो पॉइंट थ्री मीटर ये आपका होता है कूलम में ये होता है मीटर में अब जीरो पॉइंट थ्री इंटू टू पॉइंट फाइव कितना हो जाता है ट्वेंटी फाइव थ्री जाते हैं सेवेंटी फाइव ठीक है फाइव थ्री जान एंड सेवेंटी फाइव डेसीमल कितने बाद आएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव और यहाँ पर हो गया टेन टू पावर माइनस सेवन कूलम मीटर डायपोल मोमेंट की यूनिट कितनी हो गई कूलम मीटर देखा ना आपने तो ये आ गया आपका डायपोल मोमेंट अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा कि ये किस डायरेक्शन की तरफ होगा तो ये हमारा किस डायरेक्शन में होना चाहिए अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम इज़ जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंटू ट्वेंटी टू पावर माइनस सेवन कूलम मीटर अलोंग द जेड अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन अब अगर ये बात बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ गया दिमाग में छप गया क्वेश्चन साथ में मेरे सॉल्व किया है तो अब हम क्या करेंगे अब हम बढ़ जाएंगे हमारे अगले क्वेश्चन में जिसका नंबर हो जाएगा टेंथ हमने इसे सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है क्या क्या कैलकुलेट कर लिया हमने चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट चार्ज कितना आया था जीरो डायपोल मूवमेंट यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं जिसकी डायरेक्शन भी बता दी तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन वन पॉइंट वन ज़ीरो इसमें क्या बोला है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डायपोल मूवमेंट आपको दिया गया है टू द पावर इज एट डिग्री डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्निट्यूड फाइव इंटू टेंटिटिव पावर फोर न्यूटन पर कूलम कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल आपको क्या निकालना है एक मैग्नीट्यूड निकालना है टॉर्क का किसके ऊपर डाइपोल के ऊपर तो गिवन में है आपके पास एक डाइपोल मूवमेंट जिसको हम डिनोट किससे करते हैं हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था तो पी से इसको डिनोट करते हैं कूलम मीटर यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है मतलब ई दिया है फाइव इंटू टेन टू पावर फोर न्यूटन पर कूलम्ब आपको निकालना है टॉर्क और आपको एक एंगल दिया है एंगल एट थर्टी डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको टीटा कितना दिया है थर्टी डिग्री कैलकुलेट करना है टॉर्क तो यू नो द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क दैट टॉर्क क्या होता है पी ई साइन टीटा तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला टॉर्क नोट इससे करते हैं पी ई साइन थीटा, वेयर पी इज फोर इंटू टेंटि पावर माइनस नाइन इक्वल टू फाइव इंटू टेंटि पावर फोर और साइन थर्टी डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो फाइव फोर जा हो गया ट्वेंटी और टेंट टि पावर माइनस नाइन इंटू टेंटि पावर फोर इंटू साइन थर्टी अब क्या पता होना चाहिए साइन थर्टी की वैल्यू विच इज इक्वल टू वन अपॉन टू तो पुट कर दे कर देते हैं तो पुट करोगे अगर तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वेंटी इंटू टेंटि पावर माइनस नाइन इंटू टेंटि पावर फोर इंटू वन अपॉन टू यहाँ से ये यह कट गया यहाँ पर हो गया ये टेन अब कितना आएगा अब हो गया आपका इस फॉर्मेट में 10 टू पावर माइनस नाइन इंटू टेंटि पावर फाइव इट विल बिकम टेंटि पावर माइनस फोर यूनिट क्या रहेगी क्या निकाला है टॉर्क निकाला यूनिट क्या रहेगी न्यूटन मीटर रहेगी क्या रहेगी न्यूटन मीटर रहेगी तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल क्या लिख दोगे एंड में द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क acting ऑन द dipole इज इक्वल टू 10 टू द पावर minus फोर न्यूटन मीटर क्लियर हो गया ये क्वेश्चन यहाँ तक कोई डाउट हो कुछ भी query हो बता देना वैसे तो होना नहीं चाहिए क्योंकि आप मेरे साथ में बिल्कुल सॉल्व कर रहे हो टॉर्क हमने कैलकुलेट कर लिया इसके अलावा कुछ और पूछा है नहीं पूछा है तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहीं पर खत्म हमको गिवन था हमने फॉर्मूला यूज़ किया इंसर्ट किया हमको यह पता होना चाहिए साइन थर्टी की वैल्यू पता होनी चाहिए हमने सब कुछ पुट करके वैल्यू निकाल ली हो गया क्रिस्टल क्लियर दिमाग में तो अगर आपने भी अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लिया है अब हम बढ़ जाएंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जिसका नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन तो बच्चों क्वेश्चन नंबर इलेवन में क्या बोला है इलेवन में बोला है कि एक पॉलिथिन पीस रब्ड विथ फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ थ्री इंटू टेंटिव पावर माइनस सेवन कुलम सबसे पहला पार्ट निकालना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम विच टू विच एंड बी पार्ट इज इज देअर आर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथिन ये हमको कैलकुलेट करना है मतलब क्या हुआ एक है एक पॉलीथिन है अज्यूम ये पॉलीथिन है हमारे पास इसको ये लोग रब्ड कर रहे हैं एक वुलल से ये मान लो ऊन का एक वो है रब्ड कर रहे हैं तो क्या हुआ है कि जो हमारा पॉलीथीन पीस है वो हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया है जिसकी वैल्यू हमको पता चल गई है माइनस थ्री इंटू टेंटिटिव पावर माइनस सेवन कुलियम ठीक है ये आपको पता चल गई है अब इसमें पूछा है कि आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ से कहाँ तक वो आपको बताना है ठीक है सबसे पहले ये बताओ कि, कि किस किस को ट्राइबल एलेक्ट्रिक सीरीज के बारे में पता है क्योंकि जो ट्राइबल इलेक्ट्रिक सीरीज अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर यह होता है कि जितने भी पोर्शन ऊपर वाले तरफ होते हैं वो सारे पॉजिटिव कहलाते हैं साइन आ जाता है और नीचे वाले नेगेटिव पॉजिटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं नेगेटिव मतलब हो जाएगा वो ले रहे हैं तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आ गया है इसका ये नेगेटिव क्यों आया है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पॉलिथिन है इसने दिए होंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस वुल ने ये जो वुल है इसने इस पॉलीथिन को इलेक्ट्रॉन दिए है पॉजिटिव चार्ज हो गया ये रि आपकी ट्राइवल इलेक्ट्रिक सीरीज देख रहे ना वल पॉजिटिव मतलब लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन और नीचे वाले गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन तो ये जो वुल है ये पॉजिटिव हो गया इसने इसको दे दिया इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम डिनोट किससे करते हैं एस से और आपके पास एक चार्ज गिवन है जो कि है पॉलिथिन के ऊपर उसको हमने बोल देते हैं माइनस थ्री इंटू टेंट पावर माइनस सेवन कूलम ठीक है और आपके पास एक चीज और गिवन होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ठीक है तो अब यहाँ पर जो हमने का क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसका फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू एन ई जहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्योंकि आपको कैलकुलेट क्या करना था एन तो बाई यूजिंग दैट फॉर्मूला क्यू इक्वल टू एन ई हेयर यू कैन हैव क्यू हेयर यू कैन हैव ई नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एन तो एन कैलकुलेट करते हैं तो दैट बिकम क्यू अपॉन ई ठीक है ये क्या हो जाएगा क्योंकि वैल्यू थ्री इंटू टेंटि पावर माइनस सेवन अपॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंटिटिव पावर माइनस नाइनटीन कूलम कूलम में हट जाएंगे ये गया टेन ऊपर ठीक है थर्टी हो गया थर्टी इंटू टेंटिटिव पावर माइनस सेवन इंटू टेंटिटिव पावर पॉजिटिव का नाइनटीन अपॉन सिक्सटीन आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इक्वेशन थर्टी अपॉन सिक्सटी को जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा वन पॉइंट एट सेवन फाइव और पावर कितनी हो गई नाइनटीन सेवन गए ट्वेल्व माइनस का ट्वेल्व पॉजिटिव का ट्वेल्व बिकॉज यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला साइन बड़ा था तो पॉजिटिव का ट्वेल्व आ गया तो आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ट्रांसफर हुए हैं वो कितने हो गए एट सेवन फाइव इंटू टू पावर ट्वेल्व और कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वल टू पॉलिथिन यहाँ से गए हैं इसने दिए इसने लूज करें इसने गेन करें ठीक है तो क्या हो गया विच टू विच में फ्रॉम वल टू पॉलीथिन तो पहला पार्ट हो गया बिल्कुल दिमाग में क्लियर कोई भी डाउट नहीं रहा हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया एन की वैल्यू हमने निकाल ली अब बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले की तरफ जिसमें आपको कैलकुलेट करना है इस देअर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथिन क्या कोई मास भी ट्रांसफ़र हुआ है ये हमको देखना है तो अब बी पार्ट की बात कर रहे हैं मास ट्रांसफर की तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताओ क्या ट्रांसफ़र होगा बिल्कुल होगा क्यों होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ मास होता है ना तो अगर वो वुल्स ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं पॉलिथिन को तो मास ट्रांसफर हुआ होगा बिल्कुल हुआ हो, क्योंकि मास जो है इलेक्ट्रॉन का भी होता है यस yes, हो गया क्यों हो गया रीज़न मैंने आपको बताया बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ ऑल्सो द मास विच गेट ट्रांसफर फ्रॉम वुल्स टू पॉलिथिन तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका 9.1 पॉइंट वन इंटू पावर माइनस थर्टी वन के जी एंड आपके पास क्या है एन जो आपने ला ए पार्ट में निकाला था ठीक है अब आपसे पूछा अगर मास ट्रांसफर हुआ है तो हम देख लेते हैं ना कितना ट्रांसफर हुआ है पॉलीथिन के ऊपर कितना आया है तो पॉलीथिन के ऊपर उतना चार्ज जितना ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हुआ है कितने नंबर ये मान लो एन नंबर तो एन की हमारे पास वैल्यू है तो एन नंबर ऑफ मास क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो एन नंबर का कितना हो जाएगा एन एम ये क्या हो गया मास जो पॉलीथिन पर आया होगा कैलकुलेट कर लो एन है आपके पास 1.875 पॉइंट एट सेवन फाइव इंटू टेन टू द पावर ट्वेल्व एम ई है आपके पास 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी वन जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो आप क्या करोगे इसको इसको अलग लिख दो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए आपने जब अलग अलग लिख दिया तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आप देखोगे कि इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके की आने वाली है ठीक है तो 1.708 उसके आगे भी कुछ आएगा टेन पावर माइनस एटीन के मास को हम के में लेते हैं इसलिए यहाँ पर क्या लगाया है के तो कितना मास ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम वुल टू पॉलिथिन क्लियर हो गया तो ये दोनों पार्ट हो गए हमारे एकदम दिमाग में क्रिस्टल एंड क्लियर ऑल क्लियर नहीं डेंड्रफ वाला नहीं करना है कि एकदम शफाक हो गया नहीं क्लियर हो गया स्टोर हो गया है तो मतलब क्वेश्चन इलेवन आपका बिल्कुल प्रैक्टिस हो चुकी है आपने साथ में कर ली है अब क्या करेंगे हम आगे जाएंगे आगे 12 क्वेश्चन पर जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या है हमारा आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर इसके में भी दो पार्ट है ए पार्ट में आपको बोला है टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फेयर्स मतलब जो स्फेयर हैं वो चार्ज हैं ये याद रखना चार्जड स्फेयर्स ए एंड बी हैव देर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर वॉट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टें पावर माइनस सेवन कूलम एंड द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर निगलिजेबल कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन ये आपका ए पार्ट और बी पार्ट में पूछा है फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच इस पेयर का जो चार्ज है वो डबल कर दिया गया है ऊपर दिए गए अमाउंट से और डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है जो ऊपर दी हुई है तो सबसे पहले पार्ट में आपके पास चार्जेस अवेलेबल है दोनों के ऊपर वो है सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेंटिटी पावर माइनस सेवन क्यूबे और बी का आपके पास फिर डिस्टेंस मेंशन है आपके पास फिफ्टी सेंटीमीटर जो कि आपका हो जाएगा जीरो आपको निकालना क्या है म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोसिटिक रिपल्शन अब रिपल्शन क्यों हो रहा है प्लस प्लस क्या करेंगे रिपल करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है तो गिवन है आपके पास दो चार्ज कॉपर स्पेयर जिनका नाम है ए एंड बी तो आपने भी नाम दे दिया है ए एंड बी और क्यू ए है आपके लिए सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टें पावर माइनस सेवन कूलम और क्यू बी है आपके पास सेम सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेंट पावर माइनस सेवन कूलम यू हैव गिवन द डिस्टेंस ऑफ फिफ्टी सेंटीमीटर विच इज़ डिनोटेड बाय आर फिफ्टी सेंटीमीटर एंड इट विल बिकम जीरो पॉइंट फाइव मीटर यहाँ तक हो गया होगा क्लियर जो गिवन है वही लिख दिया है सिंपल वे में क्या निकालना क्या है फोर्स ऑफ रिपल्शन रिपल्शन क्यों हो रहा है दोनों का नेचर सेम है पॉजिटिव तो आपको निकालना है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोसैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ठीक है निकाल लेंगे मैम कैसे बाई यूजिंग द कुलम्स लॉ अब यहाँ पर जो दो चार्ज स्फेयर है इनके बीच में भी लग रहा है हमारा कूलम्स लॉ जिसका होता है इक्वेशन दिस यहाँ पर जो एप्सल नॉट होता है वो क्या होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है ना एंड वन अपॉन फोर पाई एप्सल नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है नाइन पॉइंट फोर पा नॉट की वैल्यू कितनी होती है नाइन टू टें पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर अब हो गया सब कुछ हमारे पास निकाल लेते हैं नाइन इंटू टेंट ट पावर नाइन इंटू सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेंट टावर माइनस सेवन इंटू सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेंट ट पावर माइनस सेवन अपॉन आर क्या है जीरो पॉइंट फाइव मीटर तो जीरो पॉइंट फाइव का स्क्वायर हो गया सॉल्व करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे वही जो अभी तक करते आ रहे हैं सबको एक तरफ लिखो उनको अलग करो जो कि पावर्स वाले हैं ज़ीरो पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट फाइव दो बार लिख दिया इस डेसिमल से ये गया एंड फाइव पंजा फाइव थर्टीन फाइव पंजा फाइव कैरी वो गया आपका थर्टीन अब क्या हो गया थर्टीन नाइन थर्टीन इंटू थान इज़ वन सिक्सटी नाइन तो वन सिक्सटी नाइन इंटू नाइन इंटू टेंटि पावर माइनस फोर्टीन इंटू टें पावर नाइन इतना सिंप्लीफाई तो कर दिया अब जब आपने यहां तक कर लिया अब जब इंटीप्लाई करोगे 169 का नाइन से तो ये आएगा 1541 पावर का करोगे टेंटेटिव पावर माइनस फाइव हो गया जब इसको अगर आपको लिखना और सिंप्लीफाई फॉर्म में तो इट विल बिकम 1. फाइव फोर वन इंटोटेंटिव पावर माइनस टू न्यूटन ये क्या आया है हमारा ये आया है हमारा म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज दिस ठीक है तो हमारा फोर्स आ गया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका नेचर हमको पता है वो है रिपल्सिव तो हमारा ए पार्ट हो गया क्लियर फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई वन पॉइंट फाइव फोर वन इंटोटेंटिव पावर माइनस टू और यूनिट हो गई न्यूटन

ये आपका जो रेडी जो डिस्टेंस उस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ये बात समझ में आती है ना यहाँ से अब यहाँ पर क्या बोला है बी पार्ट में कि वॉट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच चार्ज इज ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अब अमाउंट डबल करना है मतलब टू क्यू वन टू क्यू टू हो जाएगा एंड द डिस्टेंस को अपन को हाफ करना है तो कैलकुलेट करना है ठीक है तो after doubling the charge, the charge क्या बनेगा हमारा QA पर देख लेते qv क्या बन जाएगा आपका जो प्रीवियस वैल्यूज का डबल करना है तो क्यू ए हो गया आपका सिक्स पॉइंट फाइव टेन के पावर माइनस सेवन का डबल टू से मल्टीप्लाई टेन कैरी वन थर्टीन 0.0 10 टू द पावर -7 क्या है कूलम हो गया क्लियर और इसको मैं क्या लिख सकती हूं 1.3 10 टू द पावर -6 सिमिलरली qb भी यही हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है सेम है तो वो भी हो गया सेम डिस्टेंस को हमको हाफ करना है जिसको हम डिनोट करते हैं आर से 50 सेंटीमीटर हाफ कर दो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड इसको अगर उसमें कन्वर्ट करोगे मीटर में तो ये हो गया ये मीटर हो गया जो क्वेश्चन में बोला है बी पार्ट में हमने वही कर दिया अब फोर्स निकाला सिंपल हो गया ना वही सेम फॉर्मूला एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर तो अब हम यूज़ कर रहे हैं कूलम्स लो तो हमने लिख दिया वन अपॉन फोर पर नॉट क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर क्यू ए की वैल्यू क्या दी है हमको वन पॉइंट थ्री इंटू टेंटि पावर माइनस सिक्स क्यू बी की भी सेम है और आर स्क्वायर की है ट्वेंटी फाइव इंटू टेंटि पावर माइनस टू का होली स्क्वायर इसकी हम वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं जहाँ पर एक्सल नोट क्या है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इसकी वैल्यू होती है नाइन इंटू टेन टू पावर नाइन इंटू वन पॉइंट थ्री इंटू वन पॉइंट थ्री इंटू टेन टू टी पावर माइनस सिक्स टेन टू टे पावर माइनस सिक्स अपॉन में आ गया ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फोर ये जब हमारी वैल्यूज हमने रख दी तो ये ऐसा बन गया अब इसको कैलकुलेट करते हैं अब हम जब कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो इसका डेसिमल हटा के दो जीरो बढ़ गए इधर का इधर का यहाँ पर बच्चा सेवन क्या बन गया अब इक्वेसन टेन नाइन पावर सेवन इंटू थर्टीन इंटू थर्टीन इन टू टेंटि पावर माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू टेंट टू दावर माइनस का फोर ये आपका यहाँ पर ये आ चुका है अब इसको सॉल्व करोगे जब तो ये बनेगा आपका कुछ जीरो पॉइंट टू फोर थ्री का न्यूटन सॉल्व करने से ये आपका सॉल्व करके इतना आएगा कैसे आएगा मैम सॉल्व करना शुरू कर दीजिए ये हो गया थ्री से हो गया अब यहाँ पर अगर ये थ्री से गया है तो ट्वेंटी फाइव जाता है क्या नहीं जाता है तो ये कितना जाएगा आपका ये हो गया आपका एट पॉइंट एट पॉइंट आपका हो जाएगा थ्री वो ही आपका वहाँ पर इसको यहाँ से काटोगे उतना ही आएगा फिर थर्टीन एट पॉइंट थ्री जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे आप तो इट विल बिकम लाइक दिस दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट टू फोर थ्री न्यूटन इज द आंसर एंड रिपल्शन रहेगा कि अट्रैक्शन फिर से बल चार्ज बड़ा है बड़ा है चार्ज डबल हुआ है चार उसके जो साइन है उसका जो नेचर है वो चेंज नहीं किया मतलब फोर्स तो क्या रहेगा रिपल्सर ही रहेगा वो तो इधर बोला ही हुआ है बोला हुआ है ना तो वही यहाँ पर हो गया तो पहले पार्ट में जो हमारा एफ आया था और इस पार्ट में जो एफ आया है उसको आपने सॉल्व कर लिया है लिख लिया है यहाँ ये वाला क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करने के बाद मतलब दिमाग में छप गया ना सॉल्व भी कर लिया यूज कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ करने के बाद आंसर भी आ गया सब कुछ फिनिश हो गया अब कहाँ पर चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्टीन में उसको भी देख लेते हैं तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में क्या बोला है कि ये जो फिगर दिया है ना वन इसमें आपको कुछ ट्रैक्स दिख रहे हैं ये पाथ दिख रहे हैं ना तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि यहाँ पे तीन चार्ज पार्टिकल हैं जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं ट्रैक पर जा रहे हैं गिव द साइन ऑफ द थ्री चार्जेस अभी ये जो वन टू थ्री है इस पर क्या साइन होगा ये हमको बताना है और इन तीनों में से किसका चार्ज टू मास रेशियो जो है वो ज़्यादा है ये हमको बताना है यहाँ पर

मतलब ये वन वाला जो है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है अब आपको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता है इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं ना वो अट्रैक्ट होते हैं मतलब वो पास में आ रहे होंगे अगर जो सेम सेम टाइप ऑफ चार्जेस जो हैं वो दूर जा रहे होंगे रिपल कर रहे होंगे है ना अगर वो रिपल कर रहे होंगे मतलब वो पॉजिटिव अगर ये रहा तो तो ये इसके पास नहीं जाना चाहिए इसका मतलब क्या हो गया कि जो वन है उसके पास क्या होगा चार्ज होगा तभी तो ये क्या कर रहा है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू द प्रॉपर्टी दैट अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं अट्रैक्शन करते हैं आप सिमिलरली टू की तरफ भी देखोगे तो टू का भी जो डिफ्लेक्शन है ना वो किस तरफ है पॉजिटिव की तरफ सिमिलरली सेम प्रॉपर्टी तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव टू वाला भी नेगेटिव हो गया अब थर्ड वाले में अगर आओगे तो थर्ड वाला जो है ना पॉजिटिव की तरफ तो नहीं टर्न करा उसने डिफ्लेक्शन तो नहीं किया डिफ्लेक्ट तो नहीं हुआ वो किस साइड हो रहा है ये नेगेटिव साइड की तरफ है ना दिख रहा है ना आपको देखो ये डिफ्लेक्ट होके तो इस तरफ हुआ मूव करफ है ना तो ये जो है ये जो थर्ड है ये क्या होना चाहिए अगर सिमिलर साइन सिमिलर इस पर साइन होता नेगेटिव चार्ज ही होता तो क्या इसकी तरफ डिफ्लेक्ट करता बिल्कुल नहीं करता क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव दूर भग जाते हैं एक दूसरे से मतलब ये क्या रहेगा ये अपोजिट साइन का चार्ज रहा होगा तभी ये इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि जो वन और टू जो है ये जो तीन चार्जेस हैं हमारे पास वन टू थ्री इनमें से जो वन टू जो हैं वो हमारे नेगेटिवली चार्ज रहेंगे और जो थर्ड है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज रहेगा इतनी बात तो इस यहाँ से इस लॉजिक से हमने समझ ली वही यहां पर लिखा हुआ है फिर से एक बार पढ़ सकते हो इसको तो यहां पर यह हो गया कि पार्टिकल वन एंड पार्टिकल टू जो है वो हमारे नेगेटिवली चार्ज हो गए और पार्टिकल थ्री हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज बिल्कुल मैम समझ गए इतना तो नाउ द दूसरा क्वेश्चन क्या है विच पार्टिकल हैज द दाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो ये है दूसरा पार्ट अब यहाँ पर थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा क्या समझना पड़ेगा एक रिलेशन समझना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं अब जो रिलेशन है वो क्या है क्वेश्चन में बोला गया था चार्ज टू मास रेशियो मतलब ये रहा चार्ज जिसको हम डिनोट किससे करते हैं क्यू से अपॉन का मास जिसको हम डिनोट करते हैं एम से ये इसका रेशियो किस में ज़्यादा है वो हमको बताना सबसे तो पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि ये कैसे पता चलेगा कि इसका ही जाता है तो चार्ज टू मास रेशियो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के किसके प्रोपोर्शनल होता है ये डिस्प्लेसमेंट के और इसी चार्ज टू मास रेशियो को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपने पढ़ा ही होगा अगले चैप्टर में हम इसके नुमरिक्स भी देखेंगे है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चार्ज टू मास रेशियो को क्या कहते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि प्रोपोर्शनल किसके होता है ये जो आया है ना निकल के प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड दिस डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं है ये क्या है अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ये क्या है अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन कितना वो डिफ्लेक्ट हो रहा है टीटा थीटा मान लेते हैं डिफ्लेक्टिंग एंगल जो होता है तो ये है अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर अ गिवन वेलोसिटी अब इसी को लेकर हमको पूरा इस ये जो पार्ट है ये सॉल्व हो जाएगा अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन मतलब कितना उसका जो एंगल है टीटा जो फॉर्म हुआ है उसका वो है अब मान लो कि ये टीटा वन यहाँ पर हो जाए यहाँ पे टीटा टू यहाँ पे टीटा थ्री तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन कधर है गाइस यहाँ सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन ये वाला है तो मतलब टीटा थ्री जो होगा सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर टू तो मतलब जो पार्टिकल थ्री का जो डिफ्लेक्शन है सबसे ज़्यादा है अगर पार्टिकल थ्री का सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन है तो एंड दि दिस डिफ्लेक्शन और दिस डिस्प्लेसमेंट दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ ये हमने पढ़ा ना अभी तो इसको अगर आप देखोगे इस फिगर के फिगर को तो यहां से जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो पार्टिकल थ्री का है तो दैट मीन चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा हो गया क्या हो जाएगा किसका हाईएस्ट हो जाएगा पार्टिकल थ्री का क्योंकि डिफ्लेक्शन ज्यादा है डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल है ईएमएफ के ईएमएफ होता है हमारा चार्ज टू मास रेशियो तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया सॉल्व हमने साइन निकाल लिए कि हाँ भाई ये दोनों जो है नेगेटिव है ये जो है नेगेटिव है ये वन और टू और ये वाला जो है पॉजिटिव है हमने ये भी निकाल लिया पार्टिकल थ्री हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया और ईएमएफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन है उसको भी कैलकुलेट कर लिया तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन तो हो गया होगा दिमाग में अच्छे से स्टोर हो जाना चाहिए और अच्छे से सॉल्व करके अपनी कॉपी में देखा भी होगा साथ ही साथ में मेरे और फिर पॉज करके भी देख सकते हो दोबारा भी समझ सकते हो है ना तो अब हम किस पर जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो हमारा क्वेश्चन क्या है आज का कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है थ्री इन टू टेन टू पावर थ्री आई कैप न्यूटन पर कूलम आई कैप क्या हो गया यूनिट वेक्टर हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग अब इसका अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो भी सेम रहेगा ना ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा नाउ आपको निकालना क्या क्या है पहले क्वेश्चन में आपको निकालना है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ टेन सेंटीमीटर ऑन अ साइड प्लेन इज पैरल टू द वाई जेट प्लेन एंड इस लास्ट में कैलकुलेट करना है फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर उसमें अगर एंगल बन गया सिक्सटी डिग्री तो पहले पार्ट के लिए आप पहले गिवन चीज देख लेते हैं ये पार्ट कर रहे हैं गिवन हो गया आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री इंटू टें पावर थ्री न्यूटन पर कूलम साइड ऑफ द स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की साइड को हम ले लेते हैं वो हो गया टेन सेंटीमीटर अब अगर टेन सेंटीमीटर ये हो गया तो इसका एरिया तो निकल ही लेते हैं ना स्क्वायर स्क्वायर तो वो 10 का हो जाएगा टेन सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं जीरो पॉइंट वन मीटर ठीक है अब उसने बोला है कि हमको फ्लक्स निकालना है जिसको हम डिनोट किससे करते हैं फ्लक्स को फाइव से कब निकालना है जब इसका जो प्लेन है जो प्लेन है वो किसके पैरेलल है वाई जेड प्लेन के वाई जेड प्लेन के पैरेलल जा रहा है ठीक है तो मतलब अगर यहाँ पर वो सरफेस जो है जो प्लेन है वो अगर रखा हुआ है वहाँ पे जो स्क्वायर है अगर वो पैरेलल है वाई जेड प्लेन कर प्लेन पर तो क्या हो जाएगा उसका एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस ज़ीरो डिग्री ज़ीरो डिग्री ज़ीरो डिग्री होगी आप जीरो डिग्री किसके बीच में हो गया प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है ना क्योंकि इसका जो प्लेन है वो पैरल ही रखा हुआ है, वाई जेड प्लेन के इसीलिए तो अब, अब आपको निकालना है इसमें फ्लक्स तो फ्लक्स क्या होता है फ्लक्स क्या होता है पढ़ा होगा प्रीवियसली फॉर्मूले तो फ्लक्स होता है हमारा मॉड्यूल्स ऑफ ई ए कॉस्टीटा अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है वो तो हमने पता ही नहीं है बिल्कुल पता है ए हमको क्योंकि अगर हमें साइड पता है स्क्वायर की जिसको हमने स्मॉल ए से डिनोट करा है जीरो पॉइंट वन मीटर तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर जिसको हम डिनोट कर दिया कैपिटल ए से क्या हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा हो जाएगा साइड का स्क्वायर वो हो गया ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन मीटर हो गया कि नहीं मीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं बिल्कुल सही मैम बिल्कुल हो गया अब हम क्या करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया हो गया ये मॉडुलस ऑफ ई हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था उसको हम यहाँ पर रख देंगे क्या है थ्री इंटू टेन टू टी पावर थ्री ए हो गया ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन और हो गया टीटा की वैल्यू है ज़ीरो तो हमने उसको यहाँ पर रख दिया है ना एंड कॉस ज़ीरो क्या होता है वन बिल्कुल अब अगर इसमें से आप डेसिमल हटाओगे तो ये हो गया हंड्रेड यहाँ से ये यह चला गया एक टेन बचेगा और थ्री इंटू टेन हो गया थर्टी और कॉस ज़ीरो क्या होता है वन याद रखना है टेबल थर्टी और फाइव की वैल्यू आ गई किस में अब यूनिट क्या होती है फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम होती है कि नहीं बिल्कुल सही मैम क्यों होती है क्योंकि एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑलरेडी गिवन है न्यूटन पर कूलम तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया फॉर द पार्ट ए जब हमारा जो प्लेन है वो पैरेलल है वाई जेड प्लेन के तो हमने जीरो ले लिया एंगल को और ये हमारा निकल गया अब हमको आना है दूसरे पर सेम स्क्वायर है बट जो अब नॉर्मल है और प्लेन जो है वो सिक्सटी डिग्री का एंगल बना रहा है मतलब कॉज सिक्सटी हो जाएगा क्या चेंज होगा सिर्फ इतना पोर्शन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द बी पार्ट अब आपका एंगल हो जाएगा सिक्सटी डिग्री तो आपका फ्लक्स कैसे आ जाएगा मॉड ऑफ इज गिवन दैट मींस इन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम थ्री इंटू एरिया इज सेम थीटा इज़ नाउ बिकम सिक्सटी डिग्री विच इज थ्री इंटू टेंट पावर थ्री इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू क्या कॉस्ट सिक्सटी होता है वन अपॉइंट टू यस yes, मैम होता है क्योंकि साइन थर्टी तो कॉस सिक्सटी अब इससे आप अगर आप देखोगे तो फिर से सेम सीन ये दो ज़ीरो से यहाँ का एक जीरो बचेगा दो जीरो गए थर्टी हो गया थर्टी अपॉन टू विच इज़ बिकम विच बिकम फिफ्टीन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम तो इस वाले के लिए बी पार्ट के लिए जो फ्लक्स आया वो आपका आया फिफ्टीन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम तो आपका आंसर बी भी हो गया दोनों के लिए निकाल लिया पहले क्या आया था थर्टी थर्टी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बी के लिए आ गया हाफ उसके फिफ्टीन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम क्वेश्चन तो हो गया मैम बहुत ही सिंपल था पता नहीं लिखा तो इतना टिपिकल वे में लग रखा रहता है बट अब हमको आ गया बिल्कुल भी समझ समझ आ गया ना अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया ना तभी हम बड़े आगे क्वेश्चन पे तो यहाँ पर हमने ए और बी कैलकुलेट कर लिया अच्छे से समझ लिया अब बात क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर तो वॉट इज द फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज वन थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ट्वेंटी सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट फेसेस आर पैरल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स अब यहाँ पर आ गया आपका क्यूब है ना तो अब क्यूब आ गया और उसने बोला है कि क्या नेट फ्लक्स रहेगा ये बोला है तो पहले हम क्यूब बना लेते हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्यूब अब बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बना है बट बना है तो आप क्या आप मुझे यहाँ से ये बता सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो कहा से निकलेगा वो कहां से नहीं निकलेगा तो यहाँ से तो आ जाएगा आपका इनकमिंग और से से होगा outgoing. तो क्या यह यह? क्या ये ये बताइए ऊपर निकलेगा फ्लक्स ऐसे जा रहा है ना तो यहाँ से तो नहीं निकलेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे जा रही है तो फ्लक्स भी यहीं से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है ठीक है ना इस तरीके से तो जाएगी एक यूनिफॉर्म वे में तो ऊपर टॉप हो या बॉटम हो या फिर फ्रंट हो या बैक हो वहाँ से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा नहीं होगा मैम तो इतने पोर्शन से नहीं निकलेगा बाकी सब जगहों से निकलेगा है ना तो अब जितना भी इनकमिंग होगा जितना इनकमिंग आ रहा होगा उतना ही तो आउटगोइंग होगा जितना यहाँ से इनकमिंग जाएगा जिसको हमने ले लिया इनकमिंग वाले को माइनस फाइव तो उतना अगर यहाँ से दो अगर दो रे निकल रही है फॉर एक्स रे को मैंने बोलना नहीं है अगर यहाँ से इतना फ्लक्स निकल रहा है उतना ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पे प्लस फाइव हो जाएगा तो यहाँ पर जब आप नेट फ्लक्स कैलकुलेट करोगे फॉर दिस तो क्या इसका नेट प्लस ज़ीरो हो रहा है बिल्कुल मैम जीरो हो जाएगा तो इनकमिंग फ्लक्स एंड आउट गोइंग फ्लक्स क्या हो रहा है कैंस मतलब कि क्या कर रहे हैं नेट फ्लक्स को नेट फ्लक्स क्या हो जा रहा है आपका जीरो तो मतलब यहाँ पर जितने भी फेसेस हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है जितनी भी एंटर हुई है उतनी ही बाहर निकली है इसका मतलब नेट फ्लक्स जो है क्यूब के अंदर वो जीरो हो गया जितनी गई उतनी ही बाहर निकली जितनी फील्ड हमने भेजी मतलब फॉर एग्जाम्पल ये फील्ड है और ये ये मेरा एक क्यूब है हैंड मैंने जितनी यहाँ से निकाल रही हूँ तो उसके बाद सेंटर से तो उतनी ही बाहर निकल रही है दो दिख रहा है क्या ये नहीं तो मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्यूब के लिए वो क्या हो जाएगा नेट ज़ीरो बात हुई क्लियर क्या हुआ एक क्यू क्यूब है उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म जा रही है तो जितनी एंट्री हो रही है उतनी ही बाहर निकल रही है पियरसिंग आउट हो रही है जितनी इन हुई उतनी आउट तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वही रहेगा जितना इन उतना आउट जो इनकमिंग हुआ उसको हमने माइनस फाइव से नोट किया जो पॉजिटिव रहा वो कौन सा है जो आउट गोइंग रहा तो नेटफ्लस कितना हो गया प्लस फाइव माइनस फाइव जीरो तो क्लियर हो गया तो यहाँ पर जो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया नेटफ्लक्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो पर क्वेश्चन नंबर भी क्लियर हो गया और यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ठीक है ना तो ये लास्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया तो यहाँ तक मेरे को लग रहा है सबको समझ में आ गया और सबने बिल्कुल प्रैक्टिस कर ली है मेरे साथ तो कहीं पर कोई डाउट लगेगा तो पॉज करके फिर से सुन लोगे है ना तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्वेश्चन वन टू तो क्वेश्चन सिक्सटीन वो आपको अच्छे से दिमाग में स्टोर हुए हैं और आई थिंक आपके लिए ये सेशन जो है यूज़फुल रहा है हम नेक्स्ट क्लास में इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे तो अगर आपके लिए सेशन यूजफुल रहा हो जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट लर्नो हब डॉट कॉम So thank you everyone.